आप लोग कैसे हैं? ठीक है, न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे और प्लीज वीडियो को मुकम्मल देखा करें। आगे लिंक जो है ना प्यारे बहन भाइयों को साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें, उनको बुला करें मुकम्मल वीडियो वगैरह देखें। तो अभी तक हमारी गाय जो है ना ठीक नहीं हुई, तो डॉक्टर को कॉल किए, डॉक्टर ने कहा मैं आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा गाय को जो है ना चलाएँ फिराएँ, मतलब के फिराता है अगर इंजेक्शन वगैरह लगाएगा या क्या करेगा। अभी जी अब लोग जो है ना गाय वगैरह बाहर खोलते हुए किसी डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर ने कहा है कि गाय को जो है ना तलबा से बाहर लेके जाए, तलबा से चहल पहल करेगी। और कल से जो है ना हमारी गाय बिल्कुल भी चारा नहीं खाई, बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसकी वजह से हम खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और अभी जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह के वही होंगे 8:30, तभी काम वगैरह ख़त्म करते हैं, नाश्ता वगैरह सब निकाल लिए, बर्तन वगैरह समेट लिए, अभी चरपाई वगैरह उठा के अंदर डालते क्योंकि सब जो है ना बाहर सोते हैं और बर्तन वगैरह धोते हैं। तो ये वाली जो चरपाई है ना, ये बड़ी चरपाई है, तो चाची आप आ गए, एक तरफ से चाची पड़ेंगी और एक तरफ से नहीं, क्योंकि इस वाली चरपाई को जो है ना दो लोग उठाते हैं, बाकी ये वाली तो हम उठा लेते हैं। सारे काम जी हमने कर लिए, अभी जो है ना झाड़ू वगैरह रहता है तो झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। अभी जी थोड़ी देर पहले जो है ना मेरे नानू लोग आए थे, चाय वगैरह बनाई थी, तो इस वजह से झाड़ू लगाने में आज मुझे देर हो गई, और माशाल्लाह से मेरी खाला भी आ गई है। मेरी मदद करवा के मैं निकलवा ना दी खाने की दाकर करना हो तो बनने पता ना बने ना दी ना। तो खाला आई थी, मैंने खाला से पूछा आपने काम किया है, तो खाला कह रही है नहीं। मैंने कहा आप मेरी हेल्प कर दे, मैं आपकी करूंगी, तो कहती है आपकी हेल्प कराऊं, इससे अच्छा अपने घर का ना कर लूं। समझदार हो गई है खाला। हाँ मुझे लगा क्योंकि हमारी गाय बीमार है ना, तो सुबह सुबह फिर उठते हैं, तो फिर गाय को कोशिश करते हैं कि उसको जो है चारा वगैरह खिलाएं, तो इस जैसे देर हो जाती है ना। पहले मेरा झाड़ू जल्दी लग जाता था, खाला बताएगी बर्तन रह जाते थे, झाड़ू जल्दी लग जाता था। हाँ आज दूसरा दिन है झाड़ू मेरा लेट होता है। सारे काम वगैरह मैंने ख़त्म कर लिए, झाड़ू वगैरह हो गए, पूरे घर के काम हो चुके हैं, और बेडशीट भीगी हुई थी वो भी मैंने धो ली, अभी रस्से के ऊपर डाल दिए। माशाल्लाह धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, मेरे ख्याल में बेडशीट भी सूख भी गई है, अभी धोई और अभी सूख भी गई है। और अभी मैं और आरिफ मिलके बाबा की शॉप की सफाई करेंगे, वैसे तो डेली करते हैं, लेकिन जो ऊपर चीज़ वगैरह रखी हुई है सफील के ऊपर, आज उसको जो है ना ठीक से रखेंगे, क्योंकि आज आरिफ भी घर पर है, छुट्टी है, तो दोनों मिलकर जल्दी जल्दी ये काम कर लेंगे। आरिफ मुझसे पहले चला गया, उसने शॉप वगैरह खोल ली है, तो अभी चलते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और धूप को इतनी तेज़ निकली हुई है ना, तकरीबन यहाँ पे 12 बजे के बाद बहुत इतनी कोई शदीद गर्मी होती है। ये देखिए चादर अभी धोई है और सूख भी गई है माशाल्लाह से। मैं पीछे थी और आरिफ आके अपने काम पे लग भी गए, इसने जो है ना काफ़ी सामान नीचे उतार भी लिया, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चाचू जो है ना यहाँ पे ये जो झीड़े वगैरह हो गई इनकी सफाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा यहाँ पे बूटा वगैरह है जिसको सर वगैरह कहते हैं, तो उसको यहाँ से सफाया कर रहे हैं इसका, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, सांप वगैरह सब चीज़ें बाहर निकल के आ जाती हैं, तो बच्चे सारा दिन यहाँ पे ये देखें घूम रहे होते हैं, तो डर लगा रहता है। तो चाचू जी ना अभी इसको और ये 3-4 बूटे हैं इनको भी हटा देंगे यहाँ से। माचिस आरिफ ने यहाँ पे सारा सामान उतारा हुआ है और चाचू बाहर जो है ना सफाई कर रहे हैं, तो आरिफ मैं चाचू को माचिस दे के आ रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पे ये रखी हुई है माचिस। शॉप का ये वाला गेट खोला ताकि रोशनी आए अंदर। तो भी जाना जीवन तो यहाँ पे आग वगैरह लगा देते। पहले उस तरह सारे जीवन की उनका सफाया किया है और यहाँ पे जो रोड के पास जीड़ों का जाना काफी से आग वगैरह लग गई। अभी चलते हैं अपनी दुकान की सफाई वगैरह करते हैं। दो तीन दिन से आरिफ कह रहे इसकी सफाई करूंगा, आज आरिफ को टाइम मिला है। ऐसे ना आरिफ, ये सारा सामान जो है ना ये आगे करके रख रहा है, ये इमली हो गई। हम इस तरीके से रख रहे हैं जो मसलन की खुला हुआ जो बच्चे भी ले रहे हैं उसको जो है ना अभी हम इस साइड पे रख रहे हैं और जो पैक सामान है उसको जो है ना उस तरफ रख रहे हैं। तो क्योंकि फिर सारा सामान जो है ना जो पैक हुआ हुआ होता है वो भी मिक्स हो जाता है, फिर उसको भी खोलना पड़ जाता है, ऐसे पता नहीं चलता। जो सील पैक होता है उसको भी हम लोग खोल के रख देते हैं। तो अभी इसकी अलग तरीके से सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। जो पापड़ नहीं खुले हुए उनको जो है उस तरफ कर रहे हैं और जो खुले हुए उनको इस तरफ कर रहे हैं। अम्मी लोग अभी घास वगैरह काटने के लिए गए हुए हैं, ये काम करके फिर जो है ना मिट्टी वगैरह मजीद मिट्टी बाहर से लेके आएंगे और फिर मिट्टी जो है ना घर के अंदर डालेंगे, ये काम करके फिर मिट्टी वगैरह लेने जाएंगे। माशाल्लाह से पूरी सेटिंग जो है ना आरिफ ने कर ली है। मैंने और आरिफ मैंने सोचा था पहले मिलके करेंगे लेकिन आरिफ ने सारी कर ली है। ये सारा सामान जो है इसने इस तरीके से रख दिया है। तो अभी जो है ना मैं और आरिफ दोनों मिलके जाएंगे बाहर से जो है ना मिट्टी वगैरह लेके आते हैं। पहले सबसे पहले जो है ना घर पे कोई नहीं है तो घर को ताले वगैरह लगा देते हैं, फिर हम बाहर जाएंगे क्योंकि चाचू भी बाहर अपना काम कर रहे हैं और अम्मी और अबू भी घर पे नहीं है। चाबी चाची के पास है तो आरिफ जा रहा है अभी चाबी लेने के लिए। ये सामने देखें ऐसे सबकी गंदम की कटाई हुई है तो सभी जो है यहाँ पे ये देखें जानवर वगैरह अपने खोल के आए हैं जहाँ पे चरा रहे हैं। जब तक आरिफ जाता है चाबी वगैरह लेके आता है मैं अपने ताले वगैरह लगा लेती हूँ और तगारियाँ वगैरह सारी जो है ना उठा लेती हूँ क्योंकि मैं और आरिफ हैं दोनों मिलके ये सारा काम करेंगे। काई वगैरह हमने उठा ली है, चाची से चाबी वगैरह लेके आ गए थे। तो अभी चलते हैं यहाँ पे जो है ना सब जानवर वगैरह चरा रहे हैं तो हम यहाँ से मिट्टी वगैरह नहीं उठा रहे, हम जो है ना अभी लड़ी से मिट्टी वगैरह उठाएंगे मतलब कि नहर से। ऊपर भी मिट्टी सूखी है, पत्थर है, कोशिश से करें ये तो काई टूट जाएगी सब। इसीलिए तो मैंने बोला है नीचे से देखो, नीचे और मिट्टी है। जमीनों को पानी दे रहे हैं लोग आगे से, फिर बांधे बना के फिर बांधे पानी, जमीनों को पानी लगा रहे हैं। तो जैसे अभी तक लड़ी नहीं आई लेकिन नहर जो है ना यहाँ तक बोल रहे पानी आ गया नहर का। अभी यहाँ से जब तक मिट्टी वगैरह डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में, दुआ में रखना। या तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।